हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरा टॉपिक है हमारा, पिछली बार हमने क्या करा था, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। तो इस बार आज जो हम करेंगे वो होगा लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, है। तो अभी सेटिंग अरेंजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, इसके बाद स्क्वायर बेस्ड, स्क्वायर टेबल बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे। तो आज लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और आई होप कि पिछली बार वाला सेशन आप सभी को समझ में आया हो। और जो मेरे को एक डाउट सबकी तरफ से मिला था पिछली बार वाले सेशन में, वो ये था कि हिंदी में भी क्वेश्चंस हो। तो इस बार आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो हमारी फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट जो है आप लोगों की स्क्रीन पे ऑलरेडी है। तो मैं कहूंगा कि यार पहले तो इसे स्टार्ट करना शुरू कर दो, अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। और इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूं कि यार आप लोगों ने ना जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस जरूर करी होगी, और उसके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप वो पूछ सकते हो, और आज के सेशन रिलेटेड भी कोई भी डाउट होंगे तो वो भी पूछ सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सेटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो इसमें क्या बोला है कि 8 persons E, G, H, J, K, M, N and R are sitting in a straight line facing north and south direction। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रखा है, और वो भी लास्ट जो हमारी पजल होगी उस तक सिटिंग अरेंजमेंट होगा उससे ज्यादा जाते थोड़ी और हाई हो जाएगा। बट इनिशियली मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आजकल देख रहा हूँ पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की भी ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज आ चुकी है, ना एसएससी आपके पास है ही, एफसीआई है, तो एफसीआई आप लोग फिल करोगे तो डेफिनेटली एफसीआई के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपना इंप्रूव करना होगा। तो उसी लिए ही यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लेके आया हूं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, करने की कोशिश करो, कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग हैं यहाँ पे, है ना। जो भी आपके डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें की मिशन एसएससी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन करो। वहां पे जो भी आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, ना कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि 8 पीपल ई जी एच जे के एम एन एन आर आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो 8 लोग एक लाइन में बैठे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं और कुछ नॉर्थ देख रहे हैं। एम इज नॉट नियर टू जी। तो अब देखो जैसे पिछली बार बताया था इसमें भी वैसे ही करना है, क्या जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो इन्फॉर्मेशन मेरी प्लॉट हो रही है उसको प्लॉट करना है, जो नहीं हो रही उसको लिख के रख लेना है, जिससे कि मेरे को बाद में ना पढ़ना पड़े, है ना। तो एम इज नॉट नियर टू जी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये मेरा कोड है कि एम जी के पास नहीं बैठा, आप अपना किसी भी तरीके से कोड बना सकते हैं या ये भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर हु इज फेसिंग नॉर्थ। अब ये मेरे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो इसको तो मैं प्लॉट करूंगा ही करूंगा, है ना, क्योंकि ये मेरे को डायरेक्ट मिल गई है। क्या बोला है जिसमें कि जो मेरा एन है वो आर के थर्ड टू द राइट है, और आर मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है ना। तो अगर ये मेरा आर है और ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इसके थर्ड टू द राइट में कौन है, एन है, है ना। ई सेकेंड टू द राइट ऑफ के एंड जी। तो अब ई जो है वो के भी सेकेंड टू द राइट में है और जी के भी, यानी जी और के में से एक जना नॉर्थ देख रहा है एक जना साउथ देख रहा है, क्योंकि दोनों के राइट में नहीं हो सकता, है ना। अब इसके बाद क्या बोला है, फिफ्थ एंड सेवेंथ पर्सन आर फेसिंग साउथ फ्रॉम द राइट एंड। तो जो मेरा राइट एंड है यहां से फिफ्थ एंड सेवेंथ मेरा क्या कहां किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ, तो ये मेरा साउथ में फेस कर रहा है ना। अब इसके बाद क्या बोला है, एम हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो एम हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो एम हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से एम सेकेंड पे है। अब यही मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है ना। अब एम कहीं पे भी हो सकता है, एम आपका यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट पोजीशन क्लियर नहीं है, तो एम मेरा यहां पे भी कहीं पे आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, हो सकता है मेरा आर बिल्कुल एंड पे हो, या मेरा एम यहां पे भी आ सकता है, तो अभी क्लियर नहीं है, है ना। एम एक तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट, और जे जो है वो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो ये वाली इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं, एक तो मैं लेफ्ट से एम सेकेंड पे है, दूसरा जे इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम, है ना। अब एन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज नॉट फेसिंग
टूवर्ड्स साउथ, यानी मेरा एच नॉर्थ देख रहा है और एन है फोर्थ टू द लेफ्ट, तो यानी ये यहां पे मेरा एच हो गया। ये चीज समझ में आई कैसे, क्या बोला है, एन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच हु इज नॉट फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, विच मीन्स एच हमारा जो है वो नॉर्थ देख रहा है। अगर एच नॉर्थ देख रहा है और एन को हमारे उसके लेफ्ट में आना है तो डेफिनेटली एच इधर ही आएगा, तो ये हो गया मेरा अरेंजमेंट। अब आप देख सकते हो कि 8 persons पूरे हो चुके हैं, है ना, 8 persons पूरे हो चुके हैं। अब आप देखो कि मैं ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि क्या बोला था कि M is second from the left, तो यानी M यहां पे आ गया, है ना, M is second from the left hand। उसके बाद क्या बोला था कि जो J है वो M के fourth है left में, तो J is sitting fourth to the left of M। अब यानी M देखेगा मेरा south, तभी मैं J को fourth to the left of M बिठा सकता हूं, तो यानी मेरा J यहां पे आ गया। अब इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्या बोला है कि K is sitting third to the right of J, which means अगर third to the right की बात करूं यानी J भी मेरा south देख रहा है तभी मेरा K यहां पे आ सकता है, है ना। अब K is third to the right of J, which means ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, R is sitting fourth to the left of E, so R is sitting fourth to the left of E। अब आप यहां से देखो तो E यहीं पे होगा तभी R यहां पे fourth to the left हो सकता है, और E face कर रहा होगा towards north, है ना। अब यहां पे अगर हम देखो कि हमारे पास सिर्फ एक ही person रह जाता है वो है G, तो G आ जाएगा यहां पे। but अगर आप information तो क्या देखो, क्या बोला था कि E जो है वो G के भी right में है और K के भी right में है, तो K के राइट में विच मींस K इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और G के भी राइट में विच मींस G इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब आप देखो कि मेरे पास N की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बट मैं अगर यहां से चेक करूं, यहां मेरे को बोला था कि राइट से फिफ्थ और सेवेंथ साउथ देख रहा है, तो राइट से अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो N है साउथ देख रहा है, सेवेंथ की बात करूं तो M है साउथ देख रहा है, तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, इंफॉर्मेशन बाय इंफॉर्मेशन चला है ना। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमें दी थी ये थी कि MG के साथ नहीं बैठा है, उसके बाद बोला था कि E जो है वो सेकंड टू द राइट में है K के भी और G के भी, है ना, और बट यहां पे हम दोनों इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते, तो उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दी थी हमें डायरेक्ट, जिसमें कि क्या बोला था कि N sits third to the right of R who is facing north, तो N sits third to the right of R who faces to the north, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले मिली थी, सबसे पहले हमने इसे ली, इसे प्लॉट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमने प्लॉट करी है जो हमें बताई गई थी N और H के बीच में, है ना, कि N जो है H के फोर्थ टू द लेफ्ट में, तो जब हमारे 8 persons पूरे हो गए तो उसके बाद हमने ये वाली इंफॉर्मेशन ली कि M जो है लेफ्ट हैंड से सेकंड पे, तो M हमारा यहां पे प्लॉट हो गया, फिर J और M वाली इंफॉर्मेशन ली तो J हमारे पास आ गया, फिर उसी के साथ हमारे पास K और E और G आ गए और हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ जो आप लोगों की स्क्रीन पे है अब, है ना, आप ट्राई करो इस पजल को, उसके बाद देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको टाइम लगे प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो मैंने आपको ग्रुप बताया ही है, आप वहां पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और दूसरे आप लोगों को एक चीज और बता दूंगा, मतलब एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, एक मौका है कि आप लोग सब पोको F1 जीत सकते हो, है ना। इस समय जो आपके टेस्ट सीरीज है तैयारी प्लस जो आपका पैकेज है, जो टेस्ट सीरीज है जहां पे आप पूरे साल भर के लिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उस पर 25% ऑफ चल रहा है, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 1 करोड़ ऑफ यूजर, तो हमारे 1 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं, तो वी आर सेलिब्रेटिंग दैट एंड वी आर गिविंग 25% ऑफ ऑन तैयारी प्लस। तो आपको जो तैयारी प्लस है 375 में मिलेगा, 375 में आप साल भर की सारी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। साथ ही यार उसके साथ जो सबसे अच्छा मौका है वो ये है कि यार अगर आप तैयारी प्लस परचेस करते हो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देते हो और अच्छा स्कोर लाते हो, तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे और देखेंगे जो सब जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट दिए होंगे और अच्छा स्कोर लाया होगा, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, उसको पोको F1 मिलेगा। तो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए और है, तो आप जल्दी से जल्दी परचेस करिए और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए ताकि आप भी जीत सकते हैं पोको F1, है ना। कहीं ना कहीं काम आएगा यार, पबजी खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए और भी बाकी चीजों के लिए, तो करिए। बाकी चलो एक बार ये डिस्कस करते हैं अगली पजल।
है ना, जिसमें क्या बोला है, देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब देखो ये अगली वाली से अलग कैसे है, पिछली वाली में हमें बताया था कि देयर आर 8 पीपल्स, यहाँ पे बोल दिया देयर आर सम पीपल्स, हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, है ना, देयर आर सम पीपल्स सिटिंग, है ना, यानी कुछ लोग बैठे हैं, अब मेरे को नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, तो मैं एक लाइन तो बना लूंगा, है ना, कि कितने भी लोग बैठे हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, ए हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, है ना। अब देखो क्या बोला है, अब आप देखो कि ए है सिटिंग वन ऑफ द एंड, है ना, तो यानी ए तो एक छोर पे बैठा है, तो यानी या तो ए यहां पे हो सकता है या ए यहां पे हो सकता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या बोला है, जो कि टू प्लेसेस है ना, वन ऑफ द एंड इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, विच मीन्स इस वाले केस में बी यहां पे हो जाएगा और इस वाले केस में बी यहां पे हो जाएगा, टू प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, है ना, क्योंकि ये तो एक एंड पे है, तो बी तो दूसरी साइड ही आएगा, ये भी एक एंड पे, यानी बी इस साइड आएगा, तो ये दो केसेस है। अब क्या बोला है कि सी इज सिटिंग सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी है जो बी के सेवेंथ टू द लेफ्ट में, और ये हमें पता है कि सब नॉर्थ देख रहे हैं, पहले ही हमें बता दिया देयर आर सम पीपल सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब सी है बी के सेवेंथ लेफ्ट में, तो आप ही बताओगे कि क्या इस वाले केस में वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि ए तो मेरा बिल्कुल एंड पे है, है ना, ए मेरा एंड पे है, उसके बाद एक जो है और बी यहां पे, अगर मैं यहां से सेवन टू द लेफ्ट दूंगा तो ये तो मेरा लाइन से सेटिंग अरेंजमेंट से ही बाहर निकल जाएगा, विच मीन्स मेरा ये वाला केस तो कैंसिल हो जाता है, यानी अब मेरे पास एक ही केस बचता है। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में केस कैंसिल करने हैं, ये नहीं है कि आप लेके चलो यहां पे ए हो गया, ये बी हो गया, फिर यहां से सेवेंथ सेवेंथ पे हो गया सी, ठीक है, तो अब तक की इंफॉर्मेशन के साथ मेरा ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्या बोला है, ओ हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड सी, तो देखो अब ओ है जो इमीडिएट नेबर ऑफ ई है ना, वो एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड सी है, तो ओ एफ और सी के बीच में है और ओ ई का भी नेबर है। अभी मैं यहां पे तो कहीं उसे प्लॉट कर नहीं सकता हूं, तो मैं इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद देखूंगा कि कहां पे आना चाहिए। अब क्या बोला है, एफ इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, एफ जो है वो लेफ्ट एंड से थर्ड पोजिशन पे है। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, अब F और C के बीच में उतने ही जने हैं जितने C के राइट में हैं। अब C के राइट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जने C के राइट में, यानी F और C के बीच में भी 9 जने होंगे, ठीक है, यहां पे आ गया F, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, 9 जने F और C के बीच में। अब क्या बोला है, अब ये बोला था मेरे को कि F जो है वो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे, विच मींस यहां पे मेरे दो जने और हैं, ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखो क्या बोला था, एफ और सी के बीच में ओ है, तो सबसे पहले तो एफ और सी के बीच में ओ डाल दो, यानी नौ जने थे तो यानी चार इधर हो गए, चार इधर हो गए, ओ यहां पे आ गया, है ना। अब क्या बोला था, ओ ई का नेबर है, अब क्या मैं ये बता सकता हूं ओ ई का नेबर है तो ई कहां पे आएगा, नहीं बता सकता, ई यहां पे भी हो सकता है, ई यहां पे भी हो सकता है, तो जो ये पजल है ये यहीं पे खत्म होगी, और इसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम इसे आपसे प्लॉट कर सकते हैं। अब जब इससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैसे पूछे जा सकते हैं, कि ये बताओ कि यार नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं रूम में, ई की पोजीशन बताओ लेफ्ट हैंड से या ई की पोजीशन बताओ राइट हैंड से, ये जरूर पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ई की पोजीशन ही क्लियर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इसी तरीके से इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिससे कि आप कंफ्यूज हो और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वहां पे, आप दोबारा चेक करो यार ई की पोजीशन पूछ ली, ई की तो मेरी पोजीशन ही नहीं आ रही, और आप दो बार पजल पढ़ो, बट अपने करे हुए पे भरोसा रखना, आपने सारी इंफॉर्मेशन ली है, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आपको पता है ना कि यार ई मेरा एक जगह फिक्स नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बोला है ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो यार ई कहीं पे भी हो सकता है ना। तो ये हो गया इस वाली पजल का सोल्यूशन, आई होप आप सब लोगों को ये वाली भी समझ में आई हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ जो होगी आपकी स्क्रीन पे। आप
बार बार बोलता हूँ कि यार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करते रहना। और सीरियसली आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आपके पास अनलिमिटेड टेस्ट है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन है, पजल्स है, सब कुछ है ना। आपको पीडीएफ रेगुलर मिल रही है ना, क्वेश्चंस की 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ सर्कुलेट हो रही है। तो वो अटेम्प्ट करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, कहीं पे भी मटेरियल की कमी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं पे भी ऐसा फील होता है कि आपको करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो आप बताओ, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। तो ये वाली पजल है जो थोड़ी सी दो वेरिएबल में, अब तक जो हम देख रहे थे सब सिंगल वेरिएबल में थी, कि जिसमें हमने सिर्फ एक एंटिटी की बात करी थी। यहाँ पे दो चीजें हैं, पर्सन भी है और उनका प्रोफेशन भी है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। आई नो कि यार इस तरीके की पजल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने नहीं करी होगी, बट अब करना जरूरी है। क्यों? कि एक तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो रहा है, इस बार पैटर्न भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि सब कुछ चेंज हो रहा है एसएससी में भी। और एफसीआई की नोटिफिकेशन जैसे कि आ चुकी है, एफसीआई पहले एसएससी पैटर्न पे लेता था, बट इस बार उसने पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न किया है, तो एफसीआई के हिसाब से तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, है ना। तो आपको भी अपना लेवल अब बढ़ाना पड़ेगा, तो कहीं कुछ तो पहुंचे होंगे इस पजल में भी, है ना। तो एक बार आप सोल्यूशन देखते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं और कर रहे हैं वो करते रहें, है ना। जिन स्टूडेंट्स को डाउट आ चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है, वो लोग इसका सोल्यूशन देखें। तो चलते हैं, क्या बोला है इसमें कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहां पे भी मेरे पास कितने 7 पर्संस हैं, है ना, 7 पर्संस हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, 7 पर्संस हैं और स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं बट इक्वल डिस्टेंस है, है ना। और क्या बोला है बट उसी के साथ कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो अब ये मिक्स है, इसमें नॉर्थ साउथ भी देख रहे हैं, दो एंटिटीज भी हमारी, प्रोफेशन भी है और मतलब पर्संस भी है, तो करने की कोशिश करेंगे इसमें, केस डेफिनेटली बनेगा, है ना। और ईच ऑफ देम होल्ड अ डिफरेंट प्रोफेशन, दैट इज इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, सीए, टीचर, मैनेजर एंड स्टूडेंट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब देखो, अब बनाते हैं कि जो बोला है वो बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। E is a pilot and sit third from one of the extreme end of the line, है ना। तो E pilot है और third बैठा है वो one of the extreme end of the line से। तो यहाँ मेरा आ गया E और ये है मेरा pilot, ठीक है। और इसका दूसरा केस क्या बनेगा, E मेरा यहाँ पे आ गया, है ना, third पे, और E का profession क्या दे रखा है मेरे को, pilot, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, only two person sit between E and B who is a doctor। तो E और B के बीच में सिर्फ दो जने हैं और B जो कि है डॉक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से इस केस में भी हमारे पास B आ जाएगा और B है मेरा डॉक्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है, B does not sit at either of the extreme end of the line। तो B कोई भी extreme end पे नहीं है, वो तो हमें वैसे ही पता चल रहा है। कैसे बोला है, E एक end से third place पे है, है ना। उसके बाद यहाँ पे B आ गया 2% के बाद, तो definitely यहाँ पे 6 ही जने हुए हैं, तो मेरा 1% और है ही है यहाँ पे B के बाद, है ना। अब the one who is CA and engineer is not immediate neighbor of the one who is डॉक्टर। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो जो डॉक्टर है ना, वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, सीए का और इंजीनियर का। तो ना ही सीए ना ही इंजीनियर डॉक्टर के इमीडिएट नेबर है, यानी डॉक्टर अगर मेरा यही, ना तो यहां पे मेरा सीए आ सकता ना इंजीनियर आ सकता, ना यहां पे मेरा सीए और इंजीनियर आ सकता। सिमिलरली इन दिस केस यहां पे नहीं आ सकते, है ना। चलो अब आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है, D is CA and sit third to the right of G who is an engineer। तो D तो मेरा हो गया CA, है ना, और sit third to the right of G who is engineer, है ना। अब देखो, और D क्या है, third to the right of G है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब इसके बाद क्या बोला, C is not a मैनेजर, ठीक है, सी इज नॉट अ मैनेजर,
एंड ए इज नॉट अ टीचर, तो ए टीचर नहीं है, सी मैनेजर नहीं है, है ना। अब क्या बोला है, डी डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो डी जो है वो भी किसी भी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे नहीं आएगा। अब देखो यहां से क्या चीज क्लियर होती, क्या बोला है कि जी और डी, मतलब डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। अब देखो जी और डी यहां पे भी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि जी और डी दोनों इंजीनियर और सीए हैं और इंजीनियर और सीए डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, है ना। तो यानी ये मेरी पोजीशन बचती है। अब बोल दिया डी मेरा एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, तो यानी डी यहां पे आएगा और जी यहां पे आएगा, ऐसी इसी केस में यहां पे डी यहां पे आएगा और जी यहां पे आएगा, है ना। और बोला क्या था कि डी जो है वो थर्ड टू द राइट में है जी के, है ना। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज ये दोबारा समझा देता हूं। देखो क्या बोला था कि डॉक्टर के पास सीए और इंजीनियर नहीं आएगा, तो डॉक्टर मेरा यहां पे है, है ना, तो यहां पे मेरा सी और इंजीनियर नहीं आएगा, यानी यहां पे मेरा डी और जी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डी और जी ही सीए और इंजीनियर है। ऐसे ही यहां पे मेरा डी और जी नहीं आएगा, तो यानी डी और जी के लिए कौन सी पोजीशन आ जाती है, सिर्फ ये दो, क्यों, क्योंकि बोला है कि जी और डी, मतलब डी जो है वो जी के थर्ड टू द राइट में है, तो सिर्फ एक ये केस ही बचता है मेरे पास कि मैं जहां पे डी और जी को प्लेस कर सकता हूं, और एक ये बचता है। अब इसी के बाद बोल दिया डी मेरा एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, तो डी मेरा यानी यहां पे नहीं आ सकता, डी मेरा यहां पे नहीं आ सकता, तो डी के लिए यही पोजीशन बची, तो डी इसलिए मैंने यहां पे पोजीशन कर दिया और जी उस हिसाब से पोजीशन कर दिया। अब डी मेरा था सीए, जी था मेरा इंजीनियर। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, जी फेसेस साउथ। अब देखो दोनों केसेस में किस में जी साउथ फेस कर रहा है, उसमें, इसमें तो जी नॉर्थ फेस कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना, और यहां पे जी फेस कर रहा है साउथ, यानी हमारा ये वाला केस तो कैंसिल हो गया, ये वाला केस कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कर देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोला है, एफ इज नीदर मैनेजर नॉर टीचर, तो एफ यहां पे है ना, तो वो मैनेजर है ना वो टीचर है, यानी एफ क्या होगा, एफ के लिए सिर्फ एक चीज बचती है जो कि है स्टूडेंट, यानी एफ हो गया हमारा स्टूडेंट। अब आप देखो द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ डी, अभी मेरे को डी की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो मैं इमीडिएट नेबर की भी नहीं बता सकता हूं, बट मैं इसे लिख लूंगा इंफॉर्मेशन को कि सेम डायरेक्शन एज डी, है ना। ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो ए जो आएगा वो मेरा वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे आएगा, विच मीन्स ए मेरा आ गया यहां पे। अब देखो मेरे पास प्रोफेशन कौन कौन से रह गए, मेरे पास प्रोफेशन रह गए सिर्फ टीचर और मैनेजर, ए टीचर नहीं है तो ए क्या होगा, मैनेजर होगा, ठीक है, और सी मैनेजर नहीं है तो सी सिर्फ टीचर होगा, है ना, तो सी टीचर होगा। इसके बाद क्या बोला है, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, अगर डी मेरा यहां पे तो एफ कहां पे रख सकता हूं, यहां पे, और डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, विच मीन्स एफ मेरा साउथ देख रहा है, है ना, एंड बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी डी और एफ अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, डी मेरा नॉर्थ देख रहा है, विच मीन्स डी के इमीडिएट नेबर भी नॉर्थ देख रहे हैं, ये बोला गया था। अब सिर्फ एक पोजिशन बचती है जो कि हो गई किसकी, सी की, और सी है हमारा टीचर और एफ है स्टूडेंट, है ना। अब देखो यहां पे पूरा सोल्यूशन आ चुका है। अब आप भी कहोगे कि यार इन दोनों की डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई, तो ये भी उसी टाइप का है कि इन दोनों की डायरेक्शन ही क्लियर नहीं हुई, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है एक और बी की, वो नॉर्थ भी देख सकता है, वो साउथ भी देख सकता है, तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी तरीके से आएंगे। अगर यहीं पे मेरे को बोल दिया जाता कि सिर्फ तीन जने मेरे नॉर्थ देख रहे हैं, तो यानी ये दोनों साउथ देख रहे होते, और ये बोल दिया जाता कि दो ही जने मेरे साउथ देख रहे हैं तो ये दोनों नॉर्थ देख रहे होते, तो इस तरीके से पता चल जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, तो हमें क्लियर नहीं है कि कितने नॉर्थ देख रहे हैं कितने साउथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार ये वाली पसल दोबारा बता देता हूं, है ना, ये वाला सेटिंग एलिमेंट दोबारा बता देता हूं कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। सबसे पहले बोला कि हमारे पास कुछ पर्सन है, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, उसके बाद क्या बोला कि यार इनका कुछ अलग अलग प्रोफेशन है। सबसे पहले बोल दिया कि ई मेरा एक एंड से, है ना, मेरा एक एंड से थर्ड प्लेस पे है, तो ई किसी भी एंड से मेरा थर्ड प्लेस पे, पहले मैंने प्लेस कर दिया, मैंने दोनों केस बनाए थे, ठीक है, ई को प्लेस किया। उसके बाद बोला कि देयर टू पर्सन बिटवीन ई एंड बी, तो फिर बी आ गया, है ना,
दो पर्सन के बाद ई और बी के बीच में, फिर यानी अब टोटल हमें पता था 7 जन है, यहाँ पे 6 हो चुके थे और ई वैसे भी एक एंड से थर्ड प्लेस पे था, एक पर्सन बी के बाद ही आना था, तो यहाँ पे एक पर्सन आ गया। अब क्या बोला कि बी डॉक्टर था और डॉक्टर के पास ना तो सीए है ना इंजीनियर है, उसके बाद बोल दिया कि डी सीए है जी इंजीनियर है, यानी यहाँ सी डी नहीं आ सकते थे इन दो जगहों पे, यहाँ पे सी डी नहीं आ सकते थे। फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दे दी कि डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो अगर मैं देखूं मेरे पास वो पेयर जो बन रहा था वो सिर्फ ये पेयर बन रहा था थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से देख लो चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो या तो मेरा डी और जी यहाँ पे हो सकता था या डी और जी यहाँ पे हो सकता था। बट अगली लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन दी कि डी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, विच मींस डी मेरा यहीं पे होगा, तो यहाँ पे फिर मेरे को जी की पोजीशन क्लियर हो गई थी, तो जी यहाँ पे हो गया, तो मेरे को पता चल गया कि डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है और डायरेक्शन भी पता चल गई। अब इसके बाद क्या बोला था, इसके बाद बोला था कि ए जो है एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो ए मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि जो डी है वो सेकेंड टू द राइट है एफ से, तो तब मेरे पास सिर्फ ये दो पोजीशन खाली थी, तो यानी एफ मेरा यहीं पे आना था, बचा हुआ मेरा सी यहाँ पे आना था। और जब ए टीचर नहीं लाइक कर, ए टीचर नहीं हो सकता, सी मैनेजर नहीं हो सकता और एफ ना टीचर हो सकता ना मैनेजर हो सकता, विच मीन्स एफ स्टूडेंट है, और जहां एफ स्टूडेंट हुआ तो ए टीचर नहीं है, तो ए हो गया मैनेजर और सी हो गया मेरा टीचर, तो इस हिसाब से ये आ गया। और बाकी हमारी डायरेक्शन भी निकल गई थी, सिर्फ इन दो की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चंस जो आपसे पजल में पूछेंगे वो उसी तरीके से पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगले सेशन में फिर मिलेंगे स्क्वायर टेबल सेटिंग अरेंजमेंट के साथ, तो आई होप कि आप लोग बने रहिएगा है ना साथ में। बाकी तब तक क्लियर नोटिफिकेशन काफी आ चुकी है, आरआरबी की आ चुकी है, उसके बाद एफसीआई आ चुकी है, तो फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट कर दो, लास्ट डेट का वेट मत करना और तैयारी सबसे पहले शुरू कर दो। तो ऑल द बेस्ट है ना, बाकी फिर मिलते हैं, बाय।